नमस्कार, आज हम डॉक्टर वाई एस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के जो फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट में हमने हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाए हैं जो कि वर्ल्ड बैंक पोषित परियोजना है, प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसे अंतर्गत ये बगीचा लगाया गया। आज हम वहाँ खड़े हैं और आज विश्वविद्यालय ने हर साल की तरह एप्पल दिवस मनाया है। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं विभिन्न वेराइटीज़, जो सेब की नई वेराइटीज़ है वो लगी है इस ऑर्चर्ड में। और हमारे साथ यहाँ विभाग के फ्रूट साइंस विभाग के साइंटिस्ट, सबसे पहले डॉक्टर जे एस चंदेल जो इस डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हैं। तो हमें काफ़ी समय से किसानों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन के ऊपर, वो जानना चाह रहे हैं कि हम इसे कैसे करें। तो हम डॉक्टर जे एस चंदेल के पास चलते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा हाई डेंसिटी सेब का बगीचा जो हमारे नौनी और फल विज्ञान विभाग जो कि नौनी में है, यहाँ लगा है। पहले यहाँ प्लम की खेती हुआ करती थी या एप्रिकॉट की, यहाँ पर सेब की बागवानी के नहीं की जाती थी। परंतु तो हमारा जो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, इसके तहत कुछ लो चिल या कह लीजिए जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है वराइटीज़ की, 700 से 800 या 900 आवर्स की है चिलिंग रिक्वायरमेंट, वो वैरायटी यहाँ ले आएगी। तो हमारे विश्वविद्यालय को काम दिया गया है कि ये वैरायटीज़ क्लोनर ग्रो स्टॉक पे लगी है और इसका सबसे पहले दिया गया है कि इसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हम डेवलप करें हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत, ताकि हम इसको पैकेज पूरी डेवलप करके या स्टैंडर्डाइज करके बागवान भाइयों को दें। तो सबसे पहले हमें जो हमने यहाँ कार्य किया है कि वैरायटीज़ देखिए, लोअर एलिवेशन के लिए और मिड के लिए और हाइट के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ होनी चाहिए और किस मूल बिंद पे या क्लोनर ग्रो स्टॉक पे होनी चाहिए और उसका कितना आपसी फासला होना चाहिए और उसका ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ये आपके हमने यहाँ पर इसके अनुसंधान किया है। और 2016 में ये यहाँ जो बगीचा लगा था और अब 3 साल से लगातार यहाँ फसल आ गई है और हमने इसके जो टेक्निक्स है वो स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं, ताकि हम फार्मर्स को ये जो पैकेज है वो अब फार्मर्स को हम देंगे और ताकि बागवान भाई इसको अपना सके। तो बागवान भाइयों, हमने पीछे ये वीडियो अपलोड भी की थी इस पे हाई डेंसिटी के ऊपर कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न बागवान भाइयों के आए हैं जो क्लैरिफिकेशन के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्या प्रश्न है सर। सबसे पहले जो हमें एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि सेब की जो बागवानी है, ये जो हिमाचल का मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसमें इसकी क्या संभावनाएँ हैं? देखिए, बागवान भाइयों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अभी तक जितना भी हमारा सेब की कल्टीवेशन है वो हाई हिल्स में होती थी, कम से कम 2000 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्रों में या 1800 से मीटर वाले क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे पास जो अभी पुरानी वैराइटीज़ थी, रॉयल डिलीशियस कह लो, रेड डिलीशियस कह लो, अगर हम इसको निचले क्षेत्रों में लगाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि उसमें हमारा कलर नहीं आता था, उसमें फलों में कलर नहीं आता, जिसके कारण मार्केट में उसके दाम बहुत कम मिलते हैं। परंतु जो ये हमारी नई किस्में आई है, खासकर जैसे कि जेरोमाइन, रेड ब्लॉक्स, रेड कैप वेल्टॉड और साथ इसके जो पोलनाइजर वैरायटी है गेल गाला, रेड लम गाला, और ये किस्में आई है, तो ये हमारे जो निचले वाले क्षेत्र है जिसको कि हम मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं, जहाँ की पहले बागवान भाई स्टोन फ्रूट लगाया करता था जिससे उनको काफ़ी कम पैदावार या इनकम मिलती थी, तो इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छे वरदान साबित हो गई है। और खासकर जो हमारा ये अनुसंधान का जो बागीचा इस फल विज्ञान में लगा है, इसको देख के काफ़ी फार्मर्स यहाँ आए भी है और आ भी गए और वो इसको लगाना, इस हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लगाना चाहते हैं। सर, एक अन्य सवाल जो काफ़ी बागवान हमें पूछ रहे हैं, हमें फ़ोन भी आते हैं और ईमेल भी आती है। जी हाँ। सबसे ज़रूरी सर, हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो सघन बागवानी हम कहते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ें जो है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जो किसानों को ध्यान में रखनी है। देखिए, अभी तक जितना भी हमारी जो ट्रेडिशनल बागवानी सेब की हो गई थी,
तो वो हमारी लो डेंसिटी में हो रही थी कि हमारे प्रति हेक्टेयर 200 से या जो हमारी पर टाइप किस्में आई है 500 पौधा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगा है, जिसमें कि क्या प्रॉब्लम आती थी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी हम उसकी देखें हिमाचल प्रदेश की तो 4 से लेकर 10-11 मेट्रिक टन तक है, इससे ज़्यादा कभी एवरेज प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। तो हाई डेंसिटी का मतलब है कि इसको कम फासले पे लगाना है, कम दूरी पे लगाना है, ताकि इसमें प्रोडक्शन भी प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़े। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा जो ये बगीचा लगा है ये 2.5 मीटर रो टू रो इसका फासला रखा गया है और ये पौधे से पौधा 1 मीटर का है। इसमें हमारे 1 हेक्टेयर में 4000 प्लांट आते हैं। तो अभी तक जो हमारा 3 साल का जो हमने डाटा लिया है 2016 में लगी थी प्लांटेशन 2018, 2019 और 2020, पहले प्रोडक्टिविटी हमने 2018 में हमारी प्रोडक्टिविटी 8-9 मेट्रिक टन थी और जो बढ़ के अगले साल 16-17 या 18 मेट्रिक टन तक बढ़ गई है और इस साल अभी हमने कुछ डाटा लिया है तो हमारी ये प्रोडक्टिविटी 30 और 35 मेट्रिक टन तक यहाँ की प्रोडक्टिविटी आ रही है। अगर हम एक पौधे की हम बात करें, अगर इसमें हम 10 किलो एवरेज फ्रूट मानता हूँ मैं, वैसे तो इसमें 15-18 किलो फ्रूट है और जो हमारा मार्केटेबल साइज स्मॉल और मीडियम और लार्ज साइज के फ्रूट है वो कम से कम इसमें 10 किलो भी निकलते हैं तो प्रोडक्टिविटी आपकी 40 मेट्रिक टन तक हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हाई डेंसिटी मीन्स कम स्पेस पे लगाना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रति पौधा हालांकि पैदावार कम है पर अगर हम यूनिट वेस्ट पे प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी। और दूसरी चीज़ हाई डेंसिटी में क्या है कि अगर आप अंदर तक भी देखोगे तो फ्रूट का कलर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है अंदर तक, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश अंदर तक जाता है और जिसके कारण इसका कलर अंदरली कनोपी में भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल जब हम मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम पे इसको ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें ये कलर अच्छा नहीं होता। तो ये जो हमारी डेंसिटी की बात होती है ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रूट स्टॉक है और कौन सा साइन है। अब जब आपने हाई डेंसिटी का चयन करना है, देखिए सब बागवान भाई इसको हाई डेंसिटी पे नहीं जा सकते क्योंकि इसके लिए कुछ बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि कह लीजिए आप अगर किसी के पास जैसे ये वाला एरिया है, सीधा खेत है, पानी उपलब्ध है इरीगेशन के लिए, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाइए। M9 रूट स्टॉक और स्टैंडर्ड टाइप वैरायटी जैसे जेरोमाइन हो गया, रेड ब्लॉक्स हो गया, रेड लमगाला है, थोड़ा हम जो हमारी सुपर टाइप किस्में है, क्योंकि मेरे पास तो फार्मर्स के एक दो क्वायरी भी आई थी कि जी हमने सुपर चीप या स्कारलेट को M9 पे ग्राफ्ट किया उसकी ग्रोथ नहीं हो, तो हम इसको ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते कि आप M9 पे ही आप स्पर टाइप वैरायटी लगाइए, इस पर सेमी स्पर लगा लीजिए या स्टैंडर्ड वैरायटी लगा लीजिए। तो अगर ये आपका M9 पे है तो आपका ये फासला रहेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप थोड़ा बड़ा पौधा चाहते हैं और थोड़ी इससे डेंसिटी कम चाहते हैं, जैसे कि 106 रूट स्टॉक है, उस पर आप अगर स्टैंडर्ड वैरायटी लगाते हैं तो आपका ये फासला एक की जगह आपका 1.5 या 2 मीटर पौधे से पौधा होगा और 3 मीटर टोटल। इसी तरह 111 जो हमारा सेमी विगस रूट स्टॉक है उसमें फासला और बढ़ जाएगा तो मीडियम डेंसिटी तक हम लगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा स्लोप कम होना चाहिए। अगर आप किसी फार्मर्स के पास, अब सबके पास एक तरह की ज़मीन नहीं होगी, तो अगर आपके पास स्लोपी भी है उसमें टैरेसेस बना के आप मीडियम डेंसिटी 111 रूट स्टॉक को पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M9 पे आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जड़ें बहुत शैलो होती है, अगर इसकी सपोर्ट नहीं दी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसमें हमने सपोर्ट सिस्टम तारों के उससे दिया है, तो अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे तो आपका ये पौधा नीचे गिर सकता है। जी सर, सर पोलिनाइजर्स की बात पे आते हैं। बहुत से हमने देखा है हिमाचल में भी जो हमारे बागवान भाई हैं उन्हें पोलिनाइजर्स के बारे में उचित जानकारी अवेलेबल नहीं होती है और क्या होता है वो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं ले पाते जिस हिसाब से प्रोडक्शन होनी चाहिए उनके बगीचों में। तो कुछ पोलिनाइजर्स पे और वो वेरियस वेराइटीज़ कौन सी है, जो जैसे हमने यहाँ ये बगीचा लगाया है इसमें कौन सी हम पोलिनाइजर्स की वेराइटी यूज़ कर रहे हैं और आप जो रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को, और इसका रेशियो क्या रहता है
जो फार्मर्स को लगाना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बागवान भाइयों को खासकर प्रोडक्शन और की या फूड सेटिंग की बहुत समस्या रहती है। अगर हम ट्रेडिशनल बगीचे में भी देखें तो अमूमन एक ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में रीज़न रहा है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी या फूड सेटिंग या प्रोडक्शन कम क्यों है, क्योंकि हमारे पॉलिनाइजर प्रोपोर्शन बहुत कम लगा हुआ है। अगर ट्रेडिशनल बगीचे में भी देखें तो 10-15% तक ही आपके पॉलिनाइजर वैरायटी बागवान भाइयों ने लगाई। उसका एक रीज़न ये रहा है क्योंकि जो हमारे पॉलिनाइजर वैरायटी इनिशियली थी, रेड गोल्ड कह लो, गोल्डन कह लो, या टाइडमैन भी लगाते थे, रेड जून, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम रहती, तो फार्मर इसको ज़्यादा प्रोपोर्शन पे नहीं लगाते। परंतु आज की डेट में अगर देखा जाए, जो हमारी ये नई वैरायटीज़ आई है, तो इसमें पॉलिनाइजर के लिए जो हमारी ये गाला ग्रुप स्टेन्स है, चाहे आप गेल गाला कह लीजिए, रेड लम गाला कह लीजिए, या डार्क बैगन गाला कह लीजिए, अब तो बहुत सारे ब्रुकफील्ड गाला है, गालावल है, अल्टीमा गाला में बहुत अच्छी स्टेन आई है। इनका एक ये फ़ायदा हमने जो यहाँ भी अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्चर्स में देखा है, एक तो पॉलिनाइजर इनकी फ्लावरिंग बिल्कुल आपकी जो हमारी ये नई वैरायटीज़ है, चाहे जर्मिन है या रेड ब्लॉक्स है या रेड कैप वेल्टॉड है, सुपर चीप है, स्कारलेट है, इनके साथ इनकी फ्लावरिंग बिल्कुल सिंक्रोनाइज करती है। मीन्स कि जो आपकी पॉलिनाइजर वैरायटी है वो भी साथ बोलते हैं और मेन वैरायटी भी साथ में बोलती है, जिसकी वजह से हमारे क्या है कि इसमें फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी होगी। और ये वैरायटी मैक्सिमम सारी है, कंपेटिबल है इन वैरायटीज़ के साथ, और फ्रूट सेटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है कि ये किस रेशो में होनी चाहिए, तो मेरा तो मानना है, क्योंकि अब ये जो गाला ग्रुप है या फ्यूजी भी कह लीजिए, ये मार्केट वैल्यू इनकी जो हमारी डिलीशियस वैरायटीज़ है, रेड ब्लॉक्स है, जगह में उसके बराबर ही बिक रही है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसकी 50% ही आपकी इसकी प्रोपोर्शन में रेशो में लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि एक आपकी सॉलिड ग्रो आपकी मेन वैरायटी की लगाइए, और दूसरी वैरायटी ये आप टोटली पॉलिनाइजर की लगाइए, उसके बाद अगेन मेन वैरायटी, और अगर 50% आप इसकी पॉलिनाइजर वैरायटी लगाइए, तो मैं नहीं मानता, चाहे आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी खराब होगी, आपके फ्रूट सेटिंग होगी ही होगी। तो ये अगर इस तरह से आप पॉलिनेशन और पॉलिनाइजर का के लिए आप वो कर सकते हैं, तो आपके मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपकी अच्छी फ्रूट सेटिंग और प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि इसके साथ साथ हमें अगर 2-3 बॉक्से या 4-5 बॉक्से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप बगीचे में रखेंगे, तो और भी ज़्यादा आपकी फ्रूट सेटिंग होगी। तो ये है पॉलिनेशन के बारे में। एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमने यहाँ भी पाया है कि ओवर सेटिंग हो गई है। 3 सालों का अगर मैं पिछले 3 सालों का आपको डाटा बताऊंगा, इसमें फ्रूट सेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे को थिनिंग की तरफ इसके जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि फ्रूट साइज इसका कम रहता है, तो थिनिंग के लिए जैसे ही आपका फ्रूट सेटिंग हो जाए, तो मैन्युअली, क्योंकि छोटा पौधा है, मैन्युअली इसकी फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं। वैसे हम केमिकल भी इसकी ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक हमारे को इतनी अच्छी इस पे रिजल्ट्स नहीं मिले, पर आने वाले टाइम में शायद कुछ केमिकल ट्राई कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। अदरवाइज़ मैन्युअली आप एक बार में 5 फ्लावर आते हैं, तो उसके बाद आप 5 फ्लावर के बाद उसमें 2 फ्रूट रखिए या 1 रखिए, तो आपकी ये जो थिनिंग का काम बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका अच्छा साइज़ और अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आप इनसे ले सकें। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे बागवान भाइयों को दी। सर, एक और जो प्रश्न काफ़ी किसान हमसे जानना चाह रहे हैं, आजकल सब हाई डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके बगीचे सीडलिंग पे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि सीडलिंग रूटस्टॉक पे हम कैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हाई डेंसिटी के लिए क्या है कि हमारे पास ड्वार्फिंग पौधा होना चाहिए, छोटा बौना पौधा होना चाहिए, चाहे M9 रूटस्टॉक पे 106 पे है, चाहे 111 पे है। तो पर हमने ये पाया है कि अगर आप इवन अगर कहीं बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो जो बागवान भाई है वो हमारा जो हाई डेंसिटी पे नहीं कह सकते, मीडियम डेंसिटी पे कह सकते हैं कि आप मीडियम डेंसिटी पे उस पर जा सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ट्रेनिंग का पोर्शन होता है कि हम अमूमन जो हमारा मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है, उसमें पौधे की ब्रांचेज को ऊपर जाने देते हैं। आप जैसे इस पौधे को देख रहे हैं,
अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सीडलिंग पे ही पौधा लगा है तो अब सीडलिंग पे ब्रांच हमने ऊपर नहीं जाने देनी, जैसे यूं करके ये ब्रांच ऊपर जाती है इसको नहीं जाने देना, इसके ऊपर पहले ब्रांच को आप यू क्लिप लगा के इसका ब्रांच एंगल 60 डिग्री का आपने डेवलप करना है इनिशियली, जैसे ब्रांच, उसके बाद इसको जुलाई के महीने में नीचे बांध लीजिए, लो हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके इसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी और इसको स्पर फॉर्मेशन ज़्यादा बन जाएंगे और इसको भी आप सीडलिंग वाले पौधे को भी आप हाई डेंसिटी में थ्रू कैनोपी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ फल विज्ञान विभाग के एक अन्य वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर डीडी शर्मा जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डॉक्टर चंदेल ने बताया कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, पोलिनाइजर्स के बारे में उन्होंने बात की, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न हाइट्स, विभिन्न एलिवेशन के ऊपर कौन सी वैरायटीज़ आपको यहाँ, आपने जो इस पर रिजल्ट्स आए हैं किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, और लोअर एलिवेशन्स के लिए कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम आप रेकमेंड कर सकते हैं फार्मर्स के लिए? धन्यवाद। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जहाँ तक ये लोअर हाइट का सवाल है, अभी तक यहाँ पर प्लम, खुमानी ऐसी फसलें ही होती थी, और अब सेब की जो नई किस्में आने से इस सेब की बागवानी की नई संभावनाएं यहाँ पर बड़ी हैं, और ये देखकर आपको बहुत ही अचरज होगा कि इस यहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल आई है। जहाँ तक निचले क्षेत्रों का सवाल है तो करीब 1500 मीटर तक आप अर्ली रेड वन, गेल गाला और जेरोमाइन, रेड बिलॉक्स, रेड कैप वेलटॉट आदि किस्में लगा सकते हैं, जिसमें जो गेल गाला और ये ओविल अर्ली फ्यूजी और ये सब किस्में जो है पोलिनाइजर का काम करती हैं। जहाँ तक मध्यवर्ती क्षेत्रों का सवाल है, वहाँ पर स्कारलेट्स पर टू और जेरोमाइन और रेड बिलॉक्स तथा ये अर्ली रेड वन जैसी किस्मों को लगाया जा सकता है, और ये गेल गाला और रेड लंप गाला और दूसरे भी बहुत सारे गाला अब आए हैं, उनको पोलिनाइजर का के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों का सवाल है, वहाँ पर ये अर्ली रेड वन और स्कारलेट्स पर टू तथा ये जो फूजी वाली किस्में हैं उनको लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। रॉयल डिलीशियस की भी अच्छी जो किस्में हैं, जो अच्छे पौधे आपने उसमें छांटे हैं, उसमें से भी कलमें लगा के आप इसकी बागवानी कर सकते हैं। सर, एक और चीज़, जैसे अब तुड़ान का समय आ रहा है, बहुत जगह पे तो शुरू हो गया है और आने वाले समय में काफ़ी जगह पे तुड़ान होगा, तो जनरली ये फ्रूट मैच्योरिटी का क्या समय रहता है, जो एक एवरेज टाइम आप देखते हैं, आपने फाइंड आउट किया है कुछ इसके बारे में, हमारे बागवान भाइयों बहनों को आप थोड़ी सी जानकारी देंगे? सर, जहाँ तक मैच्योरिटी का संबंध है, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इसमें काफ़ी जल्दी फसल आ जाती है, और जिससे जो है मार्केट में अभी फल भी नहीं होते और अच्छी इसको दाम मिल जाते हैं। तो यहाँ तक का मध्यवर्ती क्षेत्रों में 15 जुलाई तक ये सारी फसल, ये सारी किस्में जो है वो पक कर तैयार हो जाती हैं, और जहाँ तक जो क्षेत्र हैं उसमें 15 अगस्त या इसके साथ ही फसल पकनी तैयार हो जाती है, और जो किन्नौर या दूसरे ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर सितंबर में फसल आती है। धन्यवाद सर।